नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आप मोबाइल से ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों मोबाइल से ईमेल आईडी बनाना सिंपल है और सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा। केवल आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, स्नैपचैट, सभी जगह शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जीमेल क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर आपको लिख देना है जीमेल क्रिएट अकाउंट। तो इस तरीके से आपको कमेंट को लिख देना। अब आपने सिंपल सा इतना कर दिया, आपको सेंड कर देना। अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले आइकन पर आ जाना है। सेटिंग वाले आइकन पर आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट एंड साइन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक गूगल का ऑप्शन पूछेगा या फिर इस तरीके से ऐड अकाउंट का ऑप्शन पूछेगा, तो ऐड अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल का एक ऑप्शन पूछेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरीके से ये पासवर्ड पूछेगा आपका मोबाइल का, तो आपको पासवर्ड जो है वो लगा देना है। तो यहाँ पर मैं पिन अपने पासवर्ड लगा लेता हूँ मोबाइल का। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, इस तरीके से क्रिएट अकाउंट पर फॉर माईसेल्फ पर क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम अपना डाल लेता हूँ, जो आपका नाम हो वो फर्स्ट नेम आप डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं लास्ट नेम डाल लेता हूँ, तो ये मैंने अपना लास्ट नेम डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डाल लेनी है, तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल कर लेता हूँ, तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक जो है अपनी प्रॉपर जो है ईमेल आईडी जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर जो है एक मेल आईडी जो है वो लिख लूँगा, जो भी आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं मेल आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मेल आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये यूजर टेकन है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ये वाली, ये भी टेकन है, कोई बात नहीं, ये मैं करता हूँ, तो ये भी टेकन है। तो चलिए कुछ करते हैं, ये मैं देखता हूँ, ये मैंने ले लिया। तो जो भी आपको लेना है तो यहाँ पर बैक करेंगे और ये जो भी अवेलेबल होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर इतना कर लिया, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड वो डालना है जो आपका पासवर्ड हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिएगा, जिसमें कि आपको नंबर भी कुछ लेटर भी डालने हैं, नंबर भी डालने हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी डालने हैं। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड जो है वो डाल लीजिए, मैं भी पासवर्ड डाल लेता हूँ। यहाँ पासवर्ड मैंने डाल लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड फ़ोन नंबर का ऑप्शन पूछेगा और ये फ़ोन नंबर आपको ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि ऐड जब फ़ोन नंबर आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, आपको रिकवर करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर जो है ऐड माय सिक्योरिटी नंबर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नंबर आएगा, और नंबर यहाँ पे आपको अपना डाल लेना है, जो मोबाइल नंबर आप अपना ऐड करना चाहते हैं। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं एक फिल कर लेता हूँ, नंबर मैंने फिल कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर कोड पूछेगा, तो आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पर फिल कर देना है। अगर मोबाइल नंबर इसी में पड़ा होगा तो कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से पूछेगा, और फिर उसके बाद यहाँ कंटिन्यू क्रिएट न्यू अकाउंट ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे कंटिन्यू क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपकी मेल हो गया या मोबाइल नंबर हो गया। नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ टर्म एंड कंडीशन पूछेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से पूछेगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपकी मेल आईडी जो है वो बनके रेडी हो जाएगी, और यहाँ पर ये मेल आईडी इस तरीके से गूगल सर्च लिखेगा और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको देख लेना, मेल आईडी आपकी बन चुकी। अब सिंपल सा करना क्या है, आपको अपनी मेल आईडी देखने के लिए सिंपल सा ईमेल वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर ईमेल वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो मेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी। ये देखिए मेल आईडी जो अभी अभी मैंने अकाउंट बनाया है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेल आईडी अभी अभी मैंने बनाई, यहाँ पर आपको दिख रही है। सो दोस्तों इस तरीके से आप मोबाइल से ईमेल आईडी बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।